गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं तेजपाल दिनोदिया आरजे कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हमारी जो कंटिन्यू क्लास है वो डिसऑर्डर के ऊपर आ रही है, जिसके अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ जो डिसऑर्डर हैं वो हम कंटिन्यू स्टार्ट कर चुके हैं और उनको हम अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स वो होने वाली है MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि मैंने जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं या जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जैसे आपका जो नेक्स्ट मंथ जो एग्ज़ाम आने वाला है MPCHO का एग्ज़ाम जो है आपका, और जो एम्स जोधपुर का जो एग्ज़ाम्स है, PGI चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम्स है, या जो ESIC अपकमिंग जो वैकेंसी है ESIC के अंदर है जो, या जो GMCH के अंदर जो अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें जो साइकेट्रिक पोर्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स वो मैंने यानी कि मैंने कलेक्ट किए हैं और मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ इनके लिए, जिससे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारी क्लासेज है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पे होंगे, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनको विद रेशनल हम उनका आंसर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, ए क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड। एक जो पेशेंट है वो जिसको क्या है कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है एंजाइटी अटैक के लिए, और द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नर्सिंग जो इंटरवेंशंस हैं वो क्या हो सकता है। तो जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट, जैसे ए है टर्निंग ऑन द टेलीविजन, बी है लीविंग द क्लाइंट अलोन, सी है स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड फोर्थ जो डी है आस्क द क्लाइंट टू प्ले विद अदर क्लाइंट्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो ए है टर्निंग ऑन द टेलीविजन, बी है जो लीविंग द क्लाइंट अलोन, सी है staying with the client and speaking in short sentences, and D है ask the client to play with other clients। तो friends आपके according इसका answer क्या होगा, please give me answer। तो जैसा कि friend इस question के अंदर बताया गया है कि जो patient है वो क्या है कि एंजाइटी अटैक कर चुका है, यानी कि पेशेंट को क्या है कि एंजाइटी अटैक है, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है पेशेंट को क्या है एंजाइटी अटैक है। तो एंजाइटी अटैक है तो इसमें जो नर्सिंग का जो इंटरवेंशन होगा वो प्रायोरिटी बेस पे अगर हम देखें तो वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेइंग विद पे क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं जिनको एंजाइटी अटैक है उनको अगर आप टीवी यानी कि अगर आप टर्निंग ऑन द टेलीविजन यानी कि जो जिससे क्या होगा कि वो उनको यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, यानी कि अगर हम टीवी है वो अगर हम टर्न ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको क्या होगा कि डिस्टरबेंस होगा इन स्लीपिंग है वो होगा, पेशेंट को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, क्योंकि लीविंग द क्लाइंट अलोन, क्योंकि जिसमें एंजाइटी अटैक के जो पेशेंट है उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर है कि क्लाइंट के साथ में प्ले, यानी कि जो एंजाइटी के जो पेशेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं कि बिल्कुल कूल एंड क्वाइट एनवायरनमेंट चाहते हैं और वो बिल्कुल यानी कि सबसे अलग होना चाहते हैं, यानी कि उन्हें लोनलीनेस यानी कि जो होता है वो उन्हें अच्छा लगता है जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, तो उनके साथ में जो ये रिक्रिएशनल जो एक्टिविटी है जो हम जिस उनके साथ में हम जो प्ले एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा, स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट हु अब्यूज एल्कोहल, विच फाइंडिंग्स
should alert the nurse to the potential for alcohol withdrawal delirium. जो alcohol withdrawal का जो patient है उसके अंदर क्या क्या symptoms हो सकते हैं. तो friends, alcohol का जो patient है उसके अंदर, यानी कि इसमें पूछा गया है आपसे, जो alcohol के जो patient है, alcohol withdrawal का जो delirium का जो patient है उसमें क्या क्या symptoms हो सकते हैं. तो friends, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, option A hypotension, ataxia, hunger, option B stupor, lethargy, muscular rigidity, option C hypotension, coarse hand tremors, lethargy, and option D hypertension, changes in the level of consciousness and hallucinations. तो आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि फ्रेंड्स जो अल्कोहल विड्रॉल के जो पेशेंट होते हैं, जो अल्कोहल विड्रॉल के जो सिम्टम्स होंगे, जो पेशेंट जो अल्कोहल विड्रॉल करता है उसका जो सिम्टम्स होंगे फ्रेंड्स, वो होंगे एंजाइटी, हाइपरटेंशन, हेलुसिनेशन डेल्यूजन, एनोरेक्सिया नर्वोजा, वोसा एंड चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो फ्रेंड्स जो अल्कोहल विड्रॉल के जो पेशेंट हैं उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है, हाइपरटेंशन उनमें हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें चेंज हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, या डेल्यूशन हो सकता है. तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना जो आंसर है, आंसर नंबर डी, ये इसका आंसर सही हो सकता है. क्योंकि अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहें फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें, तो इस ऑप्शन ए में हाइपोटेंशन है जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हाइपोटेंशन है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जो पेशेंट जो होगा अल्कोहल विड्रॉल का वो हाइपो एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी हाइपर एक्टिविटी होगी, वो क्या होगा, हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा. तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है और ऑप्शन सी रॉन्ग है. तो आंसर अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स. A client's medication sheet contains a prescription for sertraline of the medication. How should the nurse her dose? एक patient है जो जिसको क्या है कि जो medication है वो कौन सी medication prescribe की गई है doctor के द्वारा, sertraline. जो sertraline जो medicine है वो patient को जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है उस मेडिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो डोज है वो नर्स क्या डिसाइड करेगी, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स. तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ऑप्शन ए ऑन ए एम्प्टी स्टमक, ऑप्शन बी एट द सेम टाइम ऑफ ईच इवनिंग, ऑप्शन सी इवनली स्पेस्ड अराउंड द क्लॉक, एंड ऑप्शन डी एज नीडेड व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिप्रेशन. आंसर बताएं फ्रेंड्स इसका. मैं बताता हूं फ्रेंड्स, जो सेट्रालाइन जो ड्रग्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो जो सेट्रालाइन जो ड्रग्स होती हैं वो
SSRI होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, इनहिबिटर्स यानी कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, सेट्रोलाइंस जो ड्रग्स होती है वो होती है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स होती है। और जो ये ड्रग्स होती है, इस ड्रग्स को हम जो ये ड्रग्स होती है, ये ड्रग्स जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो एवरी 24 आवर्स में दी जाती है, यानी कि एवरी 24 आवर्स के अंदर, यानी कि ये जो ड्रग्स है वो दी जाती है। तो जो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर होगा एट द सेम टाइम ईच इवनिंग, यानी कि अगर इवनिंग में मेडिसिन दी गई है तो नेक्स्ट डे जो इवनिंग के अंदर सेम टाइम ये जो ड्रग्स दी जाएगी। और जो ये सेट्रोलाइन ड्रग्स है ये एम्प्टी स्टोमक नहीं दी जाती है और एवनली स्पेस्ड अराउंड द क्लॉक, यानी कि ये 24 आवर्स के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। और जो पेशेंट, अगर जब पेशेंट को डिप्रेशन होगा तभी ये मेडिसिन दी जाती है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती है ये वेरियस अदर्स जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी ये ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एट द सेम टाइम ईच इवनिंग्स, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रेंड्स, ए क्लाइंट ए डायग्नोज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा हु इज इन ए स्टेट ऑफ स्टारवेशन इज इन ए टू बेडरूम, ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विल बी असाइंड टू दिस क्लाइंट्स रूम, विच क्लाइंट वुड बी टू द बेस्ट चॉइस एज द रूममेट फॉर द क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी कि एक जो पेशेंट है वो एनोरेक्सिया का जो पेशेंट है उसको, यानी कि हॉस्पिटल में जो टू बेडरूम जो रूम है उसके अंदर, यानी कि उसको एडमिट किया गया है, तो उसमें जो उसका जो उसकी जो बेस्ट चॉइस होगी रूममेट के लिए वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए। तो ये अपने को ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें से अपने को चूज करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है ए क्लाइंट विद नमूनिया, ऑप्शन जो बी है वो है ए क्लाइंट अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, और ऑप्शन नंबर सी है ए क्लाइंट हु थ्राइव ऑन मैनेजिंग अदर्स, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है ए क्लाइंट हु कुड बी बेनिफिट फ्रॉम द क्लाइंट असिस्टेंस एट मील टाइम। आंसर बताएं फ्रेंड्स इसका। तो जैसा कि फ्रेंड जो पेशेंट है वो किसका है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अकॉर्डिंग अपने को इसमें बताना है फ्रेंड्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ए क्लाइंट अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्टेड, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो निमोनिया है, क्योंकि जो पेशेंट है वो, अगर निमोनिया का जो पेशेंट है उससे, यानी कि पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी बोलते हैं, तो वो यानी कि पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट होगा उसका भी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक होगा, जिसकी वजह से जो निमोनिया के पेशेंट के साथ में अगर वो रहेगा तो उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन इसलिए नहीं होंगे फ्रेंड्स क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो क्लाइंट है हु कुड बेनिफिट फ्रॉम द क्लाइंट असिस्टेंट एंड मील टाइम, यानी कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट है उनको इन पेशेंट के साथ इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं ये अपने जो, क्योंकि ये जो क्लाइंट होगा ये क्या करेगा कि, यानी कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट होगा उसको हमेशा डीमोटिवेट करेगा कि अगर तू खाना ज़्यादा खाएगा या अगर तू डाइट अच्छी लेगा तो, यानी कि
वापिस से तेरे को क्या होगा कि फैट गेन हो जाएगा। तो ये यानी कि पर्सनल हंगर कर सकता है पेशेंट को, क्या कर सकता है ये, पर्सनल हंगर कर सकता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना इसमें सही हो गया, क्लाइंट अंडर गोइंग डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो अपना आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ए नर्स इज प्लानिंग एक्टिविटी फॉर ए क्लाइंट डायग्नोज विद बाइपोलर डिसऑर्डर विद अग्रेसिव सोशल बिहेवियर, विच एक्टिविटी वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट के लिए कि एक जो बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उसमें जो अग्रेसिव सोशल बिहेवियर का जो पेशेंट है उसके लिए जो अप्रोप्रिएट जो जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है चेस, बी है राइटिंग, सी है पिंग पोंग और जो डी है वो है बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसमें जो पेशेंट है वो किसका है, बाइपोलर डिसऑर्डर विद जो अग्रेसिव सोशल बिहेवियर है, यानी कि जो पेशेंट है वो क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन और मेनिया दोनों की कंडीशन एक साथ अराइज होती है, यानी कि पेशेंट हाइपर एक्टिव भी हो सकता है और पेशेंट स्टुपर भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशंस हो सकती है, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो राइटिंग्स है या जो वॉक विद स्टाफ यानी कि स्टाफ के साथ में अगर वो वॉक कर रहा है या राइटिंग्स कर रहा है, यानी कि जर्नल्स है उसको राइटिंग कर रहा है या वॉक विद स्टाफ कर रहा है, तो यानी कि ये जो इसकी एक्टिविटी होती है ये यानी कि स्लो एग्रेसिव होती है, इसके अंदर क्या होता है, अग्रेशन नहीं होता। इसके अलावा जो चेस होता है, पिंग पोंग है और ये जो बास्केटबॉल है, ये यानी कि तीनों यानी कि क्या होती है, ये यानी कि पेशेंट की जो फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी जब इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा कि जो अग्रेशन होता है वो यानी कि इंक्रीज़ होगा। इसलिए यानी कि ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग होंगे, और जो ऑप्शन नंबर बी है अपना राइटिंग या वॉक विद स्टाफ, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो अपना आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओमेगा साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओमेगा साइन कौन से पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एंजियस पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी है डिप्रेस्ड पेशेंट, ऑप्शन नंबर सी है डेल्यूडेड पेशेंट्स और नंबर डी है नेगेटिविस्टिक जो पेशेंट है। तो कौन से जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर यानी कि ओमेगा साइन देखने को मिलता है। तो ओमेगा साइन फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है कि जो ओमेगा साइन बेसिकली ये होता क्या है, इस तरह का जो साइन होता है वो होता है ओमेगा साइन, और ये यानी कि कहाँ पे होता है, बेसिकली फोरहेड और जो फ्रंट ऑफ द नोज, और जो फोरहेड होता है उस पे होता है, और ये यानी कि जो साइन होता है वो यानी कि किस तरह का होता है, ये इस तरह का जो साइन होता है ओमेगा का जो साइन होता है इस तरह का होता है, और ये कौन से पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ये मिलता है अपने को डिप्रेशन के पेशेंट में। जो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसमें ओमेगा साइन देखने को मिलता है, और ओमेगा साइन ये होता है जो फोरहेड और फ्रंट ऑफ द नोज में होता है। एंजियस जो पेशेंट होते हैं ये हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं, और जो डेल्यूसिड पेशेंट होते हैं ये यानी कि डेल्यूशन यानी कि जो इनमें पेशेंट में क्या होता है, एक तरह का डाउट करने की जो वो जो इनकी प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है कि ये डाउट करते हैं बहुत ज़्यादा, और नेगेटिविस्टिक जो पेशेंट होते हैं वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा
नेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, डिप्रेस्ड पेशेंट, ये अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम एग्जैक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन म्यूट एंड स्टिल विद आई ओपन इज कॉल्ड कैटाटोनिया, स्टूपर, पैनिक और हिस्टीरिया। यानी कि जो एक पेशेंट है वो क्या है, डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो डाउन है। इन विच पेशेंट रिमेन म्यूट, और वो जो पेशेंट है वो क्या है, म्यूट है। और यानी कि स्टिल विद द आई ओपन, सिर्फ उसकी जो आईज है वो ओपन है और जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही म्यूट है, बिल्कुल ही साइलेंट है। तो वो इन ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा पेशेंट हो सकता है। तो अगर हम एलिमिनेट करना चाहें फ्रेंड्स, तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं कि जो कैटाटोनिया होता है उसमें क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं उसकी जो क्या होता है, एक्टिविटी होती है, तो कैटाटोनिया नहीं हो सकता ऑप्शन में। पैनिक, जो पैनिक है वो यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर के हो सकते हैं, ये जो पैनिक जो पेशेंट होते हैं ये यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर के जो पेशेंट होगा वो यानी कि म्यूट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मूड में होते हैं, तो वो पेशेंट म्यूट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर अपना बी है जो वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि स्टूपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राजू से दैट ही इज द फर्स्ट लीड ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज बोर्न विद द स्पेशल मिशन ऑफ लाइफ, देयर आर द सिम्टम ऑफ। यानी कि एक जो पेशेंट है जिसका नाम राजू है वो क्या बोलता है कि जो मेरा जो मैं ही एक फर्स्ट ऐसा पर्सन हूँ वर्ल्ड के अंदर, और मेरा जो जन्म हुआ है वो एक स्पेशल मिशन के लिए हुआ है, जो मेरा जो लाइफ है वो उसका जो मिशन है वो, यानी कि मेरा जो जन्म है वो एक स्पेशल मिशन के लिए हुआ है। तो ये यानी कि कौन से पेशेंट के जो हैं वो सिम्टम हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है इसमें ऑटोकैनोथस डेल्यूजन है, जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है, और डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस है, और डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। तो इसमें फ्रेंड्स हो सकता है कि जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है, यानी कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है, वो ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट माना जाएगा, क्योंकि जो ग्रैंडियोसिटी और जो ये ग्रैंडियर है ये क्या होता है कि इसमें यानी कि जो पेशेंट होता है वो अपने को क्या मानता है, सुपीरियर मानता है। ये जो पेशेंट होता है वो अपने को क्या समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, यानी कि ये अपने को सुपीरियर मानता है। और जो डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन है इसमें क्या होता है कि ये जो पर्सन होता है वो क्या मानता है अपने को, यानी कि शक करता है, ये यानी कि परसिक्यूशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि डाउट करने की, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डाउट करने की इसमें नेचर होता है इसका, ये डाउट करता है। और ये डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस है, यानी कि ये रेफरेंस करता है, यानी कि कोई भी जो अदर एक्टिविटी है उसको रेफर करता है, यानी कि ये बोलता है कि वो पेशेंट है या वो जो है वो, यानी कि उसको अपने से ये रिलेट करता है, किसी और पर्सन को अपने से रिलेट करता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। और ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पर्सन होता है, ये जो डेल्यूजन होता है इसमें, यानी कि पर्सन ये मानता है कि जो उसकी खुद की जो फीलिंग्स होती है वो, यानी कि ये मानता है कि किसी दूसरे की फीलिंग्स है। तो ये ऑप्शन अपना हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का जो मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या होगा, यानी कि जो मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अपना, वो एल्कोहलिज्म का मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या होगा। तो ऑप्शन जैसे अपने को दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है वो है कोरस्कोप साइकोसिस, ऑप्शन नंबर बी है डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है डेलीरियम ट्रिमिनस, और नंबर डी है पैरानोइया। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस होगा फ्रेंड वो हो सकता है अपना
कोरोस्कोप साइकोसिस, क्योंकि कोरोस्कोप साइकोसिस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि यानी कि ये किसकी कमी से होता है, थायमिन, थायमिन यानी कि विटामिन B1 की यानी कि जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से यानी कि कोरोस्कोप साइकोसिस के जो चांसेस है वो बनते हैं। डिप्रेशन इसमें हो नहीं सकता, डेलिरियम ट्रिमर्स हो नहीं सकता, और जो पैरानोइया है वो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन एलिमिनेट है, क्योंकि जो एल्कोहलिज्म का जो पेशेंट है उसमें क्या होगा कि जो थायमिन डेफिशिएंसी होगी फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं कोरोस्कोप साइकोसिस। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, वो है ए फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द क्लाइंट टेंड्स टू वांडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने जब मैंने टर्मिनोलॉजी करवाई थी उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको ये करवाया था। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक जो क्लाइंट है वो क्या है कि वॉन्डर अवे फ्रॉम द होम, यानी कि जो इंटेंडेंट सॉरी जो वांडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट, जो इंटेंडेड पॉइंट है वहाँ से यानी कि दूर होते हुए भी ये यानी कि क्या है कि नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया, यानी कि कोई बात है उस पे यानी कि जो अगर हम इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसका जो आंसर है ये प्रॉपर उसका आंसर नहीं दे पाता है, उसके अराउंड इधर उधर यानी कि ये घूमता रहता है, तो ये प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो सकता है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा टेंजेंशियलिटी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर है, आंसर नंबर ए हो नहीं सकता, क्योंकि वर्बिजरेशन में क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, यानी कि रिपीटिशन इसमें क्या होता है कि जो रिपीटिशन होता है वर्ड का क्या होता है कि इसमें रिपीटिशन होता है। थॉट इंसर्शन, इसमें थॉट्स आते हैं वो हो नहीं सकता। थॉट ब्लॉक में इसमें क्या होता है कि ये सिज़ोफ्रेनिया के अंदर होता है, और यानी कि ये फर्स्ट रैंक जो साइन बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट रैंक साइन सिज़ोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक साइन हम इसमें बोलते हैं थॉट ब्लॉक। तो जो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, टेंजेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लासेज में हम नए MCQ के साथ में एक बार फिर से आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।